सुना प्रश्न ऋषियों का और बोली सुत जी ज्ञानी। 25वीं अध्याय में सुनो श्री हरि की बानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जिन ही उसका अभिषेक किया तेवी वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद बाड़ी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, देवों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्हों ने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य और कृत्य कृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुपद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सतगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।